अस्सलाम वालेकुम। जस्ट एंटर यूट्यूब चैनल से मियाँ कमर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। छोटा सा एक सिलसिला चलाया था कि मैं चाह रहा था कि आपको जो नया सामान आया उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। ये उसकी शायद आखिरी वीडियो हो, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा, फिर मैं यही बनाता रहूँगा तो रिव्यूज़ नहीं कर पाऊँगा। डिस्कवरी ऑप्टिक्स के कुछ नए मॉडल आए थे, कुछ नई चीज़ें आई थी, तो मैंने कहा वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ। मॉडल तो कम हैं, लेकिन ये है कि वो इस काबिल हैं कि आपके साथ शेयर किए जाएं। सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी की बात सुनाऊँ। डिस्कवरी रेंज फाइंडर ने बहुत रिक्वेस्टों के बाद, मैं उनसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, उन्होंने D600, D800 और D1200 इनको रीलॉन्च कर दिया है नई पैकिंग के साथ, नए फीचर्स के साथ। अब मज़ा क्या आएगा कि ये जितने भी अब इनके आ रहे हैं, ये इनके आ रहे हैं सारे के सारे किसके साथ, एंगल इंडिकेटर के साथ। तो ये मैं आपको छोटी सी लुक दिखा दूं, आप देखें कि ये कितना स्मार्ट कर दिया इन्होंने। अगर हम इसको पुराने के साथ कंपेयर करें तो ये उससे बहुत छोटा हो गया है। ये देखें, ये अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये उसकी निस्बत कितना छोटा कर दिया है इन्होंने। डिटेल जो इसकी है वो हम बाद में ही शेयर करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूँ, एक लुक दिखा दूँ इसकी। ये वह चीज़ है जो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये जो W सीरीज थी और D सीरीज थी, दोनों का उन्होंने एक मिक्सचर बना दिया और साइज़ इंतहाई छोटा कर दिया है और एंगल इंडिकेटर के साथ दे दिया है, जो सबसे बड़ा मज़ा है। तो ये चीज़ थी। इसके साथ जो इन्होंने कवर दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो इन्होंने दिया है ये वाला, जिसके साथ एक बक्का लगा हुआ है कि आप इसको बेल्ट के साथ हैंग कर सकते हैं। ये सर आ गया, मैं इसको बाद में ही बंद करता रहूँगा। आपके साथ एक और मज़े की चीज़ शेयर करनी है, वो है डिस्कवरी की हमने इस दफ़ा नाइट वियन स्कोप भी मंगवा लिया। प्राइस तो मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। और ये 5-20X वाली है, जो कि फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है, GPS है, आप इसकी वीडियो बना के लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बहुत से फीचर हैं, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा बाद में। वाइट डब्बे में क्यों मंगवाई है, उसकी भी कोई रीज़न है, यहाँ बड़े मसाइल हैं, आपके साथ बाद में वो भी किसी दिन शेयर कर लूँगा। इसके बाद जी, डिस्कवरी HS 414-44 जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, बहुत ज़्यादा सेल हुई है। सेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसी थी कि महीने के 15-15, 20-20 पीस भी उस अकेली के सेल होते रहे हैं। तो डिस्कवरी ने एक और लॉन्च कर दी है, वो है 6-24-50 SFIR। मैं इसकी पिक्चर आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये HS 6-24-50 है, FFP है, SFIR है। रेटिकल की पिक्चर भी मैं दिखा देता हूं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। ये 2020 इसी साल का ये मॉडल है, मार्च में ये उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है और हमारे पास पहुंच भी गया है। इसके अलावा मैं एक स्कोप थी VT-T सीरीज़ की, 6-24 भी मंगवा रहा था, 4-16 भी मंगवा रहा था। आप लोगों के कहने पे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि VT-T की 3-18-50 SFVF भी मंगवाएं, वो भी हमारे पास अब आ गई है। इसके अलावा जी, ED सीरीज़ की AR के जो यूज़र हैं, क्या नाम है उसका, AR M16 के, और ये जो AR जितनी भी हैं उनके जितने भी यूज़र हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कोप आ गई है। डिस्कवरी ED सीरीज़ की, जिसका आपको पता है, ED सीरीज़ का कंप्लीट रिव्यू में मैं सारा बताऊंगा कि इसके ग्लास की क्वालिटी कैसी है, उसमें 1-6X24 IR स्कोप भी आ गई है। इसकी भी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूं। थोड़ा आगे जाते हैं जी, ये स्कोप तो मेरे पास पहले भी होती थी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये काफ़ी दिनों से शॉर्ट थी,
चाइना से भी नहीं मिल रही थी। डिस्कवरी की VTZ-4-1650 साइड फोकस FFP जो उनकी स्कोप थी ये दोबारा आ गई है। हमारी तमाम स्कोपों की 3 साल की वारंटी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पे कायम रहते हैं और वारंटी क्लेम करते हैं। अगर वो रिपेयर होने वाली हो तो रिपेयर करके देते हैं। टाइम लग जाता है बाज़ दफ़ा, प्लीज़ इसको माइंड ना किया करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने कंपनी के साथ डिस्कस करके रिप्लेस या रिपेयर करनी होती हैं, उस पर टाइम लग जाता है बाज़ दफ़ा, बाज़ दफ़ा नहीं भी लगता। तो इस चीज़ के लिए काइंडली आप नाराज़ ना हुआ करें। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि कुछ स्कोप ऐसी आती है मैं रखता हूँ, दूसरी उठा के दे देता हूँ, जिसके अंदर कोई फॉल्ट ऐसा होता है कि वो रिपेयरेबल होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जी सर, VT-2-6-24-44 ये भी एक अच्छी स्कोप है। पहले बहुत पहले मंगवाई थी, फिर नहीं मंगवा रहा था क्योंकि कंपनी के पास ये उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, फिर मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये हमें ज़रूर दे दें। इसके बाद VT-2-4.5-18-44 SFIR ये HK रेटिकल के साथ हमने लग गई थी और वो रेटिकल इतना बारीक था कि वो पढ़ा नहीं जाता था। अब मैंने रिक्वेस्ट करके वही जो पुराना LR रेटिकल था, ये आपको जो रेटिकल नज़र आ रहा है LR रेटिकल, वो वाली मैंने मंगवाई है ताकि आप लोगों को इसका डबल मज़ा मिले। ऊपर भी ज़ीरो कर लें और नीचे भी आप चेक कर लें कि ये किस रेंज के ऊपर जाके आपका नीचे वाला जो रेटिकल है वो किसके ऊपर जाके ज़ीरो होता है, तो वो आप फिर उसके साथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। डिस्कवरी की जो अगली स्कोप है जिसको मार्केट में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी वो थी High-4-1444 SF, जिसके साथ आप एंगल इंडिकेटर भी साथ था और साथ उसके आप रेंज फाइंड करने का भी मेथड के लिए उन्होंने दिया हुआ था, वो आती थी 4-1444 में। अब हमने इसका अगला वेरिएंट जो अभी लॉन्च हुआ है मार्च 2020 में उन्होंने लॉन्च किया है, वो भी हमारे पास पहुंच गया है, वो है High-6-2450 SFIR FFP, ये हमारे पास भी पहुंच गया है। डिस्कवरी की वैसे तो मेरे पास तकरीबन बहुत ज़्यादा स्कोप्स आई पड़ी हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता कितनी आई पड़ी हैं, लेकिन ये वो मॉडल थे जो नए मॉडल थे जो ऐड हुए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। रिव्यूज़ बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये थी एक छोटी सी आपके साथ डिस्कशन के डिस्कवरी ऑप्टिक्स का, हमारे पास नया क्या कुछ आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।